अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ऑरेंज पील पाउडर से बताऊंगी कि आप किस तरह से अपना कलर क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ दो चीज़ों से हम इस मास्क को तैयार करेंगे। ये मास्क बहुत अच्छा है आपका कलर क्लियर करने के लिए, विंटर के लिए बहुत अच्छा है, समर के लिए बहुत अच्छा है, दोनों सीजन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके चेहरे पर किसी किस्म के दाग हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी ऑरेंज पील पाउडर बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आपकी स्किन को ये फ्रेश बनाता है और आपकी स्किन पर जो एक्ने के निशान होते हैं उनको भी ख़त्म करता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें लेनी है। सबसे पहले ऑरेंज पील पाउडर आपने लेना है, ये आप मार्केट से भी आपको बनाया मिल जाता है। इसके अलावा आप इसको अगर घर में तैयार करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जो माल्टे के छिलके होते हैं उनको आपने एक हफ्ते के लिए धूप में सुखाना है, उसके बाद उनका पाउडर बना लेना है। जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाए तब आपने उनका पाउडर बनाना है और इस तरह से उनका पाउडर बनेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप मार्केट से भी इनको परचेज कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है मिल्क, यानी कि कच्चा दूध आपने लेना है। कच्चा दूध हमारे स्किन को फ्रेश करने के लिए बहुत अच्छा होता है। सिर्फ ये दो चीज़ें हमें लेनी है और इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क में ऑरेंज पील पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करना है। बस सिर्फ यही दो चीज़ें हमने लेनी थी। हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। आपने इसको अपने चेहरे पर रब करना है। इसको लगाने के बाद इस तरह से आपने इसको लगाना है और पूरे चेहरे पर ऐसे ऐसे आपने रब करना है, जिस तरह से हम उबटन लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से पूरे फेस पर ऐसे करने। आपके जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव होंगे। इसके अलावा आपकी स्किन पर जो स्पॉट्स होते हैं वो रिमूव होंगे। सर्कुलर मोशन में करें। इसके अलावा स्किन को ऊपर की तरफ भी इस तरह से करें ताकि आपकी स्किन भी टाइट हो, जो लूज स्किन होती है। बहुत ही अच्छा मास्क है ये, सिर्फ दो चीज़ों से हमने तैयार किया। बहुत ही प्यारी सी खुशबू है कि आपको इससे आपकी स्किन फ्रेश होगी। आपने इस तरह से 10 मिनट के लिए करना है, उसके बाद फेस को ऐसे ही छोड़ दें। 15 मिनट के लिए ऐसे आपने फेस को छोड़ देना है। फिर 15 मिनट के बाद अगर आप चाहें तो इसको सिंपल वाटर से वॉश करें, फेस वॉश या सोप की मदद से। आपने इसको वॉश नहीं करना अपने फेस को। अगर आप इसको डेली करना चाहें तो डेली भी कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। बहुत ही अच्छा मास्क है, बिल्कुल नेचुरल चीज़ हमने इसमें ऐड की है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। घर में ज़रूर ट्राई करें एंड मुझे बताएं आपको कैसे रिजल्ट मिले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।